लाला जी को कभी घर से बाहर नहीं जाने देती थी मैं बिना तिलक लगाए, और अब तो बरसों हो गए तिलक को हाथ भी नहीं लगाया मैं। दादी आप हमेशा कहती हो ना कि प्यार अमर होता है, तो आप भी आइए ना, दादाजी को टीका लगाइए। आइए आइए, कम 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 कम। आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चों पे, अपने घर पे। इधर आ, तू बड़ी जल्दी जान जाता है मेरे दिल की बातों को। कैसे जाना कि मैं लाला जी को मिस कर रही हूँ? क्या दादी, आप ही तो हमेशा कहती थी ना कि आपका रोमांस इसी में था। चिल्लाहट मत मार, कैसे मेरी दिल की बातों को पहचान जाता है मेरा राघव। आप भी तो पहचान जाती है ना दादी कि मुझे क्या चाहिए। ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं हर जंग जीत जाऊंगा। चल मेरे साथ आजा। कहाँ दादी? बताती हूँ, आजा। नैना देख रही है ना तू, अब आजा और मेरे राघव को टीका कर। आजा। अरे मैं तो भूल ही गई। डोंट फील बैड यार, बुरा मत मानो। तो क्या हुआ कि तुमने राघव का टीका नहीं किया? तो वैसे ये ट्रेडिशन तो मेरा फैमिली मेंबर्स वालों के लिए है, और राघव तो फैमिली का मेंबर भी नहीं है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो तुम्हें अपनी फैमिली भी नहीं मानता है, राइट? ठीक है दादी, इट्स ओके, मैं जाता हूँ। रुको, सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो है समा कल हो ना हो।
जो है समा, कल हो ना हो। क्या बात है नैना, रियली जैसे तू हर मुसीबत में राह निकाल लेती है ना, बस दादी तेरी फैन है। बस अब तो शगुन बनता ही है। नहीं दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि जरूरत है कि नहीं है। ठीक है दादी, जैसा आप ठीक समझे। पटेल साहब आया दादी, प्लीज जरा यहाँ आएंगे। बोलिए दादी। ये पटेल साहब हैं, हमारे खानदान के जौहरी, हमारे खानदान की सारी ज्वेलरी इनके यहाँ बन के आती है। तो मैं अपनी बड़ी बहू के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी का पीस बनवाना चाह रही हूँ, आप बनवा के दीजिएगा। नहीं नहीं दादी, ऐसे कैसे। अरे चुप हो जा, ये औरतों का मामला है, तू बीच में क्यों बोल रहा है। हाँ तो बता क्या पसंद आएगा तुझे, क्या बनवाएगी। यही मौका है नकली जेवर का सच सबके सामने लाने का। अच्छा, सुधा का हार वैसा चाहिए तुझे, तुझे पसंद है। नहीं दादी, मेरा मतलब है पसंद तो बहुत आया, पर बहुत महंगा है दादी। महंगा है या नहीं जो मैं दे दूंगी, तो ये बता तुझे पसंद है कि नहीं। नैना, तुम इतना महंगा गिफ्ट कैसे मांग सकती हो, क्या कर रही हो। मैं मांग कहाँ रही हूँ, वो तो दादी। अब तो मैं यही हार बनवाऊंगी बस। दादी मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत महंगा है, थोड़ा छोटा। दादी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों इतना महंगा गिफ्ट। और हे भगवान, अब तुझे काम देना पड़ेगा ताकि मैं अपना काम चैन से कर सकूं। जाके देख वो सामान जो मंगवाया है ना, वो ठीक से सजा के रखा है कि नहीं। जा पर्दा, जा 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 जा। तो पटेल साहब आपको नेकलेस देख लीजिएगा, उसका डिजाइन अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सुधा हाँ, जरा प्लीज अपना नेकलेस उतार के दिखा दो इनको, इनको डिजाइन देखना है। क्या है ना, मैं क्या कह रही थी मम्मी जी कि इसकी क्या जरूरत है। देखिए सुधा भाभी की ज्वेलरी कितनी अच्छी लग रही है, वो ज्वेलरी उतार देंगी तो उनका सारा लुक ही खराब हो जाएगा। सो मैं सोच रही थी कल करते ना। पर कल क्यों, दो मिनट की तो बात है। सुधा इस फैमिली की असलियत देखने के लिए राघव का यहाँ होना बहुत जरूरी है, वो भी तो देखे कैसे नकली लोग हैं। अभी उसे लेकर आती हूँ। मैं भी आई। ये राघव कहाँ चला गया, उसे यहाँ होना चाहिए। थोड़ा अलग बना सकते मतलब, ना कॉपी मत कीजिएगा। राघव यार तुम कभी मैनर्स नहीं सीखोगे ना, दरवाजा तो बंद कर लो। वैसे जल्दी करो, दादी तुम्हें बुला रही है, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, जल्दी करो। राघव स्टॉप इट, राघव स्टॉप इट, क्या कर रही, कौन है, आओ लीव मी, यू आर हर्टिंग मी। तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या कर रहे हो तुम, हटो यहां से। I know you want it. अपनी feelings छुपाओ मत, okay? Please leave me, please. I know you want it. Want it as bad as I want. Get lost, Veer.
नैना भूलो मत, तुम्हें इस घर में मेरे लिए लाया गया है, ओके? तो पहला तो मेरा ही मन था ना तुम पे, वो सलगाव का नहीं, और वैसे भी उसे आदत है मेरी उतरी हुई चीजें पहनने की। प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो अगर मुझे छोड़ा नहीं ना तो मैं चिल्लाऊंगी। चलो ओके, मैं अभी देखता हूँ कौन होता है तुम्हें बचा। गेट लॉस्ट। ये किसकी आवाज है, क्या हुआ? कौन कौन था ये? नैना, नैना। अब तुम कहाँ जा रही हो? यही मौका है, ज्वेलर के हाथ से नकली हार लेके उसे असली हार दे दो, जल्दी करो नहीं तो सारा काम तमाम हो जाएगा। ये सर, ले लीजिए खाने के लिए कुछ सब। एवरीवन हेड फॉर डिनर प्लीज। आप भी डिनर के लिए जाइए ना, इसे मैं सेफली रख लेती हूँ, कल दे देंगे ना आपको। रीर, क्या हो रहा है यहाँ? दादी, दादी, ये मेरे साथ दर्द करने की कोशिश की। इतना गिर गया है तू, ये तेरे बड़े भाई की बीवी है, भाभी है तेरी, इसके साथ ऐसी गिरी हुई हरकत। ये देखने के लिए मैं यहां जिंदा हूं, बता मुझे। आप सही समझ रही हैं दादी, मैंने नैना के साथ जबरदस्ती की है। नहीं छुपा सकती, घर से निकालना होगा। किसी ने देख लिया कि मुझे इस घर से निकाल देंगे, क्या करूं मैं इसका? बल्लू व्हाट डू आई डू? इसे बाहर फेंक ही देती हूं, गुड आइडिया है। अरे आप सॉरी, मेरे सामने सीना चौड़ा करके बोल रहा है ये बात? क्या हो गया है तुझे, क्या बन गया है तू? इतने लाड प्यार से पाला तुझे, इस मॉडर्न सभ्यता की सबसे बेस्ट एजुकेशन दी तुझे, तब भी एक औरत की इज्जत की कदर कैसे करते ये नहीं सिखा पाई मैं तुझे। भाभी है ये तेरी? भाभी देवर का क्या रिश्ता होता है? मां बेटे समान। कितना गिर गया है मेरा परिवार कि रिश्तों का सम्मान करना भूल गया। इसलिए तुझे बड़ा किया था हम लोगों ने। इनफ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे वीर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप थी, लेकिन अब मम्मी अब ना ओवर हो गया। दादी कुछ भी बोले जा रही हो, तुम कुछ नहीं बोल रही हो, क्यों क्यों बचा रही हो इस औरत की इज्जत? Just because ये तुम्हारे भाई की बीवी है, मेरा क्या? What about me? मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला हस्बैंड इस औरत की वजह से अपने ऊपर मोलेस्टेशन का ब्लेम ले ले। कहना क्या चाहते हो तुम? दादी मेरा मतलब ये है कि जबरदस्ती नैना के साथ नहीं हुई, जबरदस्ती वीर के साथ हुई। ये औरत हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ी हुई, she is obsessed with my man. उसकी शादी वीर के साथ नहीं हो पाई, तब उसके ऊपर डोरे डाल रही है। She is the one harassing him. क्या बोले जा रही हो तुम सचना? नैना ऐसी है ही नहीं, नैना के चरित्र को देखकर मैंने उसको पसंद किया, गलतफहमी हो रही है तुमको। दादी अब तो आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि ये औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है, आपको अभी भी उसका चरित्र नजर आ रहा है? सच जानने की कोशिश कीजिए कि सच्चाई है क्या। वीर तुम्हारा फोन कहाँ है?
ये देखिए किस तरह की मैसेज कर रही है वो मेरे हस्बैंड को। देखिए चौकी का, मैं भी ऐसी चौकी थी। एक बार मैं सबको पढ़ के सुनाती हूँ। काश हम एक दूसरे के हो गए होते। मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ वीर। मैं तुम्हें चाहती थी, लेकिन गलती से शादी किसी और के साथ हो गई। मिस यू, ये मैसेज किया तुमने? ये सब मैं भी पहली बार देख रही हूँ दादी। सच कह रही हूँ दादी मैं। एक मिनट, आप ही बोलिए, कौन सी शादीशुदा औरत ऐसा काम करती है? क्या इसने भाभी होने का मान रखा? वीर मुझ पे ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने मुझे सारे टैक्स दिखाए। हम दोनों चुप थे, बिकॉज़ हम नहीं चाहते थे कि आपका दिल टूटे दादी। लेकिन अब पानी ना सर के ऊपर चढ़ गया दादी, ये सब झूठ है। एक मिनट, आप बताइए, पूरी फैमिली बाहर बैठी तो ये अकेले में वीर से मिलने के लिए इस कमरे में क्यों आई? इसने ना तो मेरे बारे में सोचा, ना इस फैमिली की इज्जत के बारे में सोचा। दादी, she doesn't care. Actually, ये हमें अपना मानती नहीं है। इसलिए वीर के साथ शादी करने वाली थी, लेकिन मिल गया राघव। ये इसी चीज का बदला ले रही हमसे। एक मिनट, ये जो फोन में जो मैसेजेस हैं, क्या जादू से आ गए इसमें? नहीं ना, तुमने क्या सोचा? ये तुम नाटक करोगी, घिनौना नाटक करोगी, एंड यू विल स्टॉप द मैरिज। शादी तोड़ोगी तुम, रिश्ता तोड़ोगी तुम, उसे यही उम्मीद है। तुम्हें पैसे वाला हस्बैंड चाहिए। ये सब तुम इसीलिए कर रही हो ना? प्लीज स्टॉप इट, ये सब झूठ है। दादी, आप तो जानते हैं ना, मैंने पैसों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ये बात तो आप भी जानते हैं ना। दादी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला वीर को क्यों पाना चाहूंगी? ये तो मुझे शादी के मंडप पे छोड़ के चला गया था ना। दादी, ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इनकी मिली भगत है, क्योंकि मैं इनका सच जानती हूँ दादी, क्योंकि मैंने राघव को हमेशा इनके चंगुल से बचाया है। दादी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। तुम उसी हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो ना, जिसे तुम अपना हस्बैंड नहीं मानती? और कहीं ये वो पति तो नहीं जिसे तुम डिवोर्स देना चाहती हो, जिसे दिन भर तुम झगड़ती रहती हो और बात बात में घर छोड़ के चली जाती हो? और आप लोगों ने नोटिस किया, ये हर बार घर छोड़ के जाती है और फिर दोबारा वापस आ जाती है। शी इज बिहाइंड माय मैन, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई। पहली बात, मेरे और मेरे पति के बीच जो कुछ भी है वो हमारी आपस की बात है। मैं उस बारे में ना ही किसी से कोई सलाह चाहती हूँ और ना ही कोई कमेंट्स। दादी, आप जानते हैं ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी राघव से होगी। ये तो आप भी जानते हैं कि किस वजह से मैं और राघव इस रिश्ते में जुड़ गए। दादी, हम दोनों बस इसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो मेरी शादी वीर के साथ तय की थी ना, मेरे दिल ने ना कहा, फिर भी मैंने आपसे हाँ कहा, सिर्फ आपके खातिर दादी। फिर जो भी हुआ, मेरी शादी किससे हुई किससे नहीं हुई, दादी जैसे भी मेरी शादी हुई, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर मैंने राघव को अपना पति माना है। मैं मानती हूँ मेरी शादी झूठ की बुनियाद पर हुई, पर फेरे तो सच के थे ना दादी। और जब तक रिश्ता है मेरे लिए पवित्र है। और दादी, उस पवित्र अग्नि की कसम खाकर कहती हूँ मैं आपसे, वीर मेरा मेरे लिए कुछ नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।